कल की हमने क्लास में इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी और एक एक्सरसाइज भी घर से करने को दी थी ना, कुछ क्वेश्चन बताए भी थे। अब उसके आगे आज कुछ चीजें आगे साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने पाई मान लिया, मान लिया पाई, ठीक है। x कितना मिल जाएगा साइन वाई, x कितना मिल जाएगा 1 अपॉन x कितना आ जाएगा 1 अपॉन x कितना मिला हमें भाई, तो सेकंड वर्स को डाल लेंगे 1 अपॉन x और y कितना था साइन इनवर्स 1 अपॉन x कितना होता है साइन इनवर्स। बस इसमें एक चीज याद, पहले तो यहाँ देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए थी -1 से देख, जब हमने रेसिप्रोकल किया तो x क्या नहीं हो सकता 0, तो यहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ क्या क्या होगी, तो यहाँ आ जाएगा x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक -1 से लेके +1 के बीच में, लेकिन क्या नहीं होगा जीरो। आ गया समझ में, आ गया सिंपल है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा cos इनवर्स, सॉरी sec इनवर्स, है ना, sec इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू कितना cos इनवर्स x, और एक कंडीशन के साथ, कंडीशन क्या, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 से लेके +1 के बीच में, लेके क्या नहीं हो सकती जीरो नहीं। और एक और फिर cot इनवर्स 1 अपॉन x वैल्यू क्या होगी 10 इनवर्स है, लेकिन ऐसा केवल कब, ऐसा केवल कब होता है, केवल एक कंडीशन में, कब, जब x कैसा हो लेकर दें 0, तो हो नहीं सकता, x अगर 0 हो डायरेक्ट क्या हो जाता है cot इनवर्स 1 अपॉन x की वैल्यू 10 इनवर्स x के। दिक्कत कहाँ की है, अगर cot इनवर्स 1 अपॉन x जहां x की वैल्यू लेस देन 0, x की वैल्यू कितनी हो जैसे मान लो -1, तो 10 इनवर्स -1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्या होगा वो होता है पाई प्लस 10, क्या होता है प्लस फटाफट नोट कर लो इसे। देखो आप लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है, एक्स बराबर कितना मिल जाएगा हमें साइन बाई, है ना। अब एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये वाला एंगल कितना है पाई, तो बताओ क्या होता है साइन थीटा लंब बटे, टेंथ में भी सीखा होगा
ये कितना मिल जाएगा, 1 माइनस पाइथागोरस थ्योरम से इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाते तो आधा मिल जाता है। अब जरा बताओ cos y कितना होगा, 1 माइनस y बराबर कितना मिल जाएगा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। tan y कितना मिलेगा, x बटे अंडर रूट ये मुझे नहीं यार, लेकिन हम मैंने अपने के लिए भाई लोग कैसे रहते हैं, सरकारी टीचरों के पास बहुत पैसा होता है, तो ये वीडियो में प्रूफ है कि सरकारी टीचर गरीब होते हैं। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी, साइन वर्स, यहाँ से बाई की कॉस इनवर्स, और यहाँ से बाई की टेन इनवर्स। तो देखो यहाँ से क्या मिला, साइन इनवर्स x को अगर आपको cos इनवर्स में बदलना है तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x। और इसको अगर tan इनवर्स में बदलना हो तो कितना आएगा, x बटे अंडर रूट 1 माइनस x। ऐसे ही आप चाहें तो cos इनवर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस टेन इनवर्स क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ऐसे ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको cos में कन्वर्ट करना है तो cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे केवल अब एक फॉर्मूला और देखेंगे, उसी के बेस पे आप बाकी सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं ना। इसके बाद बताएंगे नहीं, सिर्फ इसी हिसाब से सोचना है और इनको यूज करके सिर्फ एक फॉर्मूला याद। लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर ए एंड टेन इनवर्स वाई बराबर बी। ठीक है, तो जरा बताओ यहाँ से एक्स कितना मिल जाएगा, यहाँ से y कितना मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ a प्लस बी की वैल्यू, और a प्लस बी कैसा, tan का, tan a प्लस बी की वैल्यू, tan a प्लस बी कितना मिलेगा, क्या होता है a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a याद होगा तो पता चल जाए ना, tan a प्लस tan b तो बताओ tan a की वैल्यू कितनी है, ये मिल जाएगा tan a प्लस b। अगर tan इनवर्स में दोनों तरफ लगा दूं तो यहाँ क्या मिला मुझे, केवल a प्लस b, उधर कितना मिलेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, और b की tan इनवर्स y।
क्या समझ बेटा? देखो ये अब मैं तुम्हें फॉर्मूले के बारे में एक बात बताऊँ, ये फॉर्मूला ठीक है लेकिन इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसकी कुछ पाबंदियाँ हैं, ये हमेशा काम नहीं करता है। यहाँ ये x और y की केवल उन वैल्यूज के लिए सही है जब x इंटू वाई लेस देन वन है। अगर x और y का गुणा करके कितना मिले, एक से कम, तब तो ये ठीक है, वरना ये फॉर्मूला सही नहीं। चाहो तो रख के देख लो, यहाँ x की जगह रखो अंदर रूट तीन और y की जगह रखो एक, टेन इनवर्स अंदर रूट तीन 60 का मान होता है और टेन इनवर्स एक 45 का, 60 और 45 105। अब तुम यहां रख लो इन वैल्यूज को, जब यहां रखोगे और tan इनवर्स की वैल्यू -90 से +90 रहती है, 90 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, लेफ्ट हैंड साइड 105 आ रही है, राइट हैंड साइड 90 आ रही है, 90 से कम ही आ रही है, मतलब गलत हो गया है ना। तो वास्तव में ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता, कब काम करता है केवल जब x into y 1 से कम हो। इसका जो व्यापक फॉर्मूला है वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसके वास्तव में तीन फॉर्मूले आते हैं, तो बस व्यापक फॉर्मूले के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कल बना दूंगा मैं, चलो घर पे, है ना, और इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री के लिए उसको देख लेना, लेकिन क्लास ट्वेल्थ में केवल इतना ही आता है। अब जैसे IIT में मेंस में भी ज़्यादा नहीं पूछता, एडवांस वगैरह में कभी भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा क्या करेगा, सीधे सीधे नहीं देगा, उसमें कुछ चेंज करके देता है। जैसे कि 2022 में क्वेश्चन आया था, मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है लेकिन टेन इनवर्स के टर्म्स में ही था और कुछ उसमें क्या करना था, इसी तरीके की वैल्यूज, और इस फॉर्मूले में क्वेश्चन बहुत आता है, इसको याद रखें, ठीक है। अब इसी तरीके से आप टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का भी पता कर सकते हो, तो इनका जनरल फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हम, केवल उतना जितना क्लास ट्वेल्थ में काम आता है, क्योंकि ये जो क्लासेज हैं बोर्ड लेवल की है, तो बोर्ड लेवल के लिए इसको ध्यान रखते हैं ना। अगर आगे इसमें पढ़ना है तो एक वीडियो डाल दूंगा मैं, कल रिकॉर्ड करके कल संडे है, तो उसको देख लेना व्यापक तौर से इनके क्या क्या फॉर्म होंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या मिलेगा बताओ, tan इनवर्स ऐसे इसके भी तीन चार फॉर्मूले निकल के आते हैं, साइन इनवर्स x प्लस अगर माइनस हो तो दोनों के लिए एक ही बात में लिखते हैं, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, प्लस होता है तो प्लस आता है, माइनस होता है तो वाई अंडर रूट वन माइनस, ठीक है। कॉस का देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स वाई, इसमें प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो ठीक है। सेम इसी तरीके से cos इनवर्स x को ये मान लो, cos इनवर्स y को भी मान लो, और a + b का जो तरीका वहां लगाया था आप देख सकते हैं क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं sin इनवर्स 2x, सॉरी 2 sin इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इस तरीके से भी काफी सारे फॉर्मूले हैं, वो आप अपने आप करके देख सकते हो, अपने आप उन्हें याद कर सकते हो। हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं एक्सरसाइज पे, वहाँ कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं और उन्हीं के बेस पे आप बाकी के फॉर्मूले अपने आप घर पे तैयार करो, ठीक है। या लिखूं मैं या घर पे कर लोगे ये बताओ फटाफट, लिख दूं तब देख लो। टू साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x, एक और होता है टेन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। आगे तो cos inverse x का cos inverse 2x square minus 1 ठीक है। नहीं गलत लिखे हैं मैंने, केवल यही रहता है, ठीक है। 2 tan inverse x का लिखते हैं आप आगे, और ये भी केवल कुछ कंडीशंस के लिए अप्लाई होते हैं, आप हर कंडीशन में इन्हें नहीं लगा सकते, बाकी जनरल कंडीशन के लिए बताइए। 2 tan inverse x का होता है tan inverse 2x upon 1 minus ये कॉल होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस ये कॉल होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बराबर नोट करो। एक्सरसाइज देखते हैं, और 2.2 ये लास्ट एक्सरसाइज है, दो ही दिन उसमें है ना। आपका पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, दोनों में कोई सा भी देख लो, चाहे पहला चाहे दूसरा, थ्री साइन इनवर्स है ठीक है। इसमें एक काम कर, राइट हैंड साइड ले, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, अब इसमें पुट करो x इक्वल टू साइन थीटा, क्या पुट करना है, क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4। इन्होंने 11th में थोड़ा बहुत गणित ध्यान से पढ़ा होगा, उन्हें पता है ये साइन 3 थीटा का फॉर्म है, क्या बचा यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 4th देखो इसका, टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2 जो भी लेके आना होगा, टू टेन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा बताओ, अभी कर सकते हो इसे 4/3, ये अब इसमें क्या लगा दो, tan इनवर्स x + y क्या आता है, tan इनवर्स
एक्स वाई वन माइनस एक्स इंटू आएगा 31-32 ठीक है, कैलकुलेट करके देखना है, यही आता है। सारे क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही हैं, कोई भी पूछ लो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में 10 इनवर्स ठीक है, यहां पुट कर दो x इक्वल टू a sin थीटा, क्या पुट कर दो, तो जरा बताओ यहां से sin थीटा कितना आ जाएगा, x अपॉन a और थीटा sin इनवर्स, ये क्या मिला, tan इनवर्स x की वैल्यू a sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर का अंडर रूट कितना, a cos साइन बटे, क्या मिला एन इनवर्स टेन थीटा, क्या बचा केवल थीटा, थीटा का मान कितना है, आया समझ नहीं है, पहले वाले में 10 थीटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें x की जगह पर 10 थीटा पुट कर देना आ जाएगा, ठीक है, छठे में x की जगह sec थीटा पुट कर देना आ जाएगा, सातवें में cos x का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, आठ में cos x कॉमन लेके हटा देना, नौ बता ही दिया, दस में x के ये sin थीटा पुट कर देना, ठीक है। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है, सारे करके लाने, नहीं आए वो कल पूछ लेना, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, 10 साइन इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स ये काय का फॉर्मूला पढ़ा था, ये काय का फॉर्मूला पढ़ा था, टेन इनवर्स वाई का, क्या आ गया, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू, दो कॉमन लेके हटा दू, क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला लगा दू, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस, ये हट जाएंगे, क्या रहता, ठीक है, हो जाएंगे बाकी के सारे सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कितने में आ गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, भाई यहाँ का जो साइन है लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम किधर ले गए, उधर, तो देखो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स तुम्हें कितना मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स का मान 5 है और साइन इनवर्स 1/5 को उधर ले जाओ, 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स कितना मिला,
कॉस इनवर्स एक बटे पाँच। एक्स का मान कितना आ गया? एक बटे। और बताओ, बस यही सॉल्व करना है आपको, अपने आप आ जाए, ठीक है।